आप भी ट्रेन में घूमने के शौकीन हैं या फिर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद है, तो आपके लिए आज एक बड़ी खुशी पटना से मिलने वाली है। आपको बता दें कि हमारे जो आप बाएं तरफ देख सकते हैं, ये नई तेजस आज से पटना से नई दिल्ली के लिए चलेगी। देख लें, राजेंद्र नगर तेजस राजधानी स्पेशल। आपको बता दें कि ये ट्रेन राजधानी का रिप्लेसमेंट है और ये ट्रेन आज से पटना से नई दिल्ली जाएगी। राजेंद्र नगर टर्मिनल से शुरू होगी शाम में 7 बजे और सुबह नई दिल्ली पहुंचेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये। पहले आपको दिखा दें, ये जो ऑटोमेटिक डोर क्लोज़र है ये भी यहाँ लगा हुआ है। तमाम सुविधाएं जो हैं नई वो अब मिलेगी। आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं पहले कि किस तरीके से जो अंदर से तेजस को बनाया गया है वो आपको दिखा देते हैं। आपको ये दिखा दें, ये जो फर्स्ट टीयर होता है वो है तेजस का, और कितनी सुविधाएं दी गई हैं। नया रैक है, नए कोचेस बनाए गए हैं, जो कर्टन्स हैं वो बदल दिए गए हैं। ये फर्स्ट एसी है जिसमें 4 ही लोग आराम से कुशलता से जा सकते हैं। और आपको बताएं बैठ के ही कि इसकी खूबियां क्या क्या हैं, तो पहले देख लें कि जो एक अलार्म बटन भी दिया हुआ है ताकि अगर आपको कोई सुविधा की ज़रूरत हो तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन दिए हुए हैं, हर पैसेंजर के लिए अलग अलग चार्जिंग स्टेशन है। ये नया तेजस आज से आपके लिए शुरू हो रहा है और पटना से नई दिल्ली जाएगा, और तमाम आपको सुविधाएं इसकी दिखाते हैं। ये देख लें कि पहले इधर हम कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ दिखाएं कि किस तरीके से जो कर्टन्स हैं वो इसमें हैं। ये ऑटोमेटिक कर्टन्स हैं, ये देख लें किस तरीके से ये कर्टन्स हैं, ये आप लगा सकते हैं। और ये जो सुविधाएँ हैं ये अब नई तेजस में दी गई है। जो चढ़ने की भी जो व्यवस्था है वो भी की गई है। देखिए, LCD स्क्रीन लगाए गए हैं, CCTV कैमरेज लगाए गए हैं ताकि जो सुरक्षा हो यहाँ की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए। देखिए, स्टेयर्स भी अंदर दिए हुए हैं चढ़ने के लिए। ये देख लें, ये कूप है, इसमें 2 सीट होते हैं। और देख लें, तमाम जो स्टेयर्स हैं चढ़ने के लिए वो भी दिए हुए हैं। अंदर में मिरर भी है, वैनिटी भी है, जो सुविधाएँ हैं। देख लें, यहाँ भी कर्टन्स दिए हुए हैं कि अगर आपको धूप लग रही है तो आप कर्टन को नीचे कर सकते हैं, और आपकी सुविधाओं के लिए ये जो कर्टन्स हैं वो भी लगाए गए हैं। जो तमाम जो चीज़ें हैं इसमें वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो व्यवस्था है नई तेजस में आपको मिलेगी। ये फर्स्ट एसी है, जो किराया है वो अमूमन जो राजधानी का था वही किराया रहेगा, लेकिन जो सुरक्षा है और जो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि जो बाहर जाने की जो सुविधाएँ हैं, हम कहेंगे सर ये गेट कैसे खुलता है, सर दिखा सकते हैं। देखिए, ये ऑटोमेटिक गेट है, ये ऑटोमेटिक तरीके से खुलेंगे। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका गेट खुलता है। ये देख लें, ये ऑटोमेटिक है, हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक ही बंद होगा। जहाँ स्टेशन जहाँ खुलना होगा वहीं खुलेगा और वहीं बंद हो जाएगा। तो देख लें कि ये जो ऑटोमेटिक डोर क्लोज़र है वो भी इसमें है। जो तमाम नई सुविधाएं हैं वो तेजस में हैं। आपको दिखा देते हैं कि इधर शायद AC का जो हॉट बफेट कार होता है, जहाँ पर खाना की सुविधाएँ होती हैं, किचन जो होता है ट्रेन का, अमूमन जो लोग समझते हैं कि हाइजीन नहीं होता है, लेकिन हाइजीन की पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है, आज से शुरू होने वाला है। देखिए किस तरीके से साफ़ सफाई तेजस की हो रही है। ये जो कैंटीन वाला एरिया होता है जहाँ पर खाने परोसे जाते हैं, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, क्या कि सुविधाएं हैं पहले आप देख लें कि RO तक लगा हुआ है कि जो आपको पानी है वो साफ़ मिलेगा। इसके अलावा जो किचन में जितने सारे बॉयलर हैं वो लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर भी है, और तमाम सुविधाएँ देख लें, जो साफ़ सफाई जो है वो काफ़ी दिख रही है तेजस में। नई तेजस आज से पटना से दिल्ली को रवाना होने वाली है। जो राजेंद्र नगर के, माफ़ करें, जो दानापुर के जोन के DRM हैं वो भी इसमें सवार होंगे। आप देखने की जो सुविधाएं हैं, फ्रिज से लेके सब कुछ नई लगी हैं, नई सुविधाएं हैं, नई फ्रिज लगे हुए हैं, ये सारा चीज़ जो है ये अब अत्याधुनिक हो गया है। और आपको बाहर की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो ये जो तेजस है ये आज से खुलेगा, तो लोगों को कितनी आरामदायक सफ़र होगी और कितना आराम मिलेगा। ये देखें, ये सारी तस्वीरें जो हैं ये आपको हम तेजस की दिखा रहे हैं। और ये ट्रेन आज से करीब सुबह प्रतिदिन चलेगा, और ये राजधानी का रिप्लेसमेंट है। ये नई रैक बनी है तेजस की, और ये ट्रेन आज से नई दिल्ली को रवाना होगी, लोगों के जो सफ़र है उसको काफ़ी अच्छा करेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष DTV भारत पटना।